जरूरत है मेकअप की? नेचुरल ब्यूटी, लेकिन क्या करूं स्टेज पे जा की ने ला देते टायर जवान यार ये रोलर लगाए ताकि ना अच्छी शेप आए। इट्स मी खूबसूरत क्या है? यस इट्स मी निसरनूर। इट्स मी नाज़िनूर। अक्सरियत से सुना होता है कि लोग कहते हैं मैं भरी हुई है छोटी, और हम लोग जिद में कहते हैं हाँ जी मैं ही भरी हुई है छोटी। अब ये वही कर रही है, ये सच में छोटी है, ये भरी है, क्यों झूठ बोल रही है। कॉमेडी में ज्यादातर मैं वो प्रेफर करूंगी कि जिसके साथ हम लोगों ने काम किया है, जैसे विकी साहब हैं, आसिफ चन्नूती साहब बहुत अच्छे ड्रामा, और आगा माजिद सर, तारिक कुमार साहब, तारिक कैडी साहब, सब इनके साथ किया है, अपने प्ले किया है। तारिक कैडी साहब के साथ हमने नहीं किया, सरदार कुमार के साथ बहुत ड्रामे किया, और हमारी मामा ने स्टार्ट भी उनके साथ किया। तैयार हो कि कितने जा रही हैं जी, इतना तैयार हो कि इतनी सोनिया भी तैयार हो जा रही हैं। स्टेज पे जान, स्टेज पे जान जी बिल्कुल। आपने क्यों इतना मेकअप किया है फिर? आपने क्यों किया है? आपको जरूरत है मेकअप की? नेचुरल ब्यूटी, लेकिन क्या करूं स्टेज पे जाना, लेकिन स्टेज पे जाना है ना, वहाँ पर दूर से हमें देखना है, तो कुछ ना कुछ मुंह पे लगा होगा ना रंग। मजे की बात बताओ, हमारा स्टेज पे मेकअप नजर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, वो दूर से लोग देखते हैं उनको सच में नजर नहीं आता। और लेकिन हम लोग अपनी एक एक लाइनर की इतनी बारीकी करते हैं ना, वहाँ से ये भी नहीं दिख रहा होता कि हमने ये लगाया भी हुआ। कौन कर रहा है मेकअप आपका आजकल? मैं खुद ही करती हूँ, वो भी अपना खुद कर रही मेकअप। अच्छा। तो खुद कर हेयर स्टाइल में बस क्या कहते हैं एक सैफी साहब, वो कर रहे हैं हमारा मेकअप। अच्छा हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल हाँ। की ने ला देते टायर जवान यार ये रोलर लगाए ताकि ना अच्छी शेप आए। अच्छा जी हमारे साथ है नाज़ली मिश्रा। नाज़ली के लिए तो मिश्रा के लिए इट्स मी नाज़ली नूर। इट्स मी मिश्रा नूर। एक ही स्टाइल है, पहले ये दसो इसका मतलब होता है क्यूट। अच्छा और जो कि मैं हूं। अच्छा अच्छा ओके इट्स मी मिश्रा नूर। अच्छा आप ये बताओ मुझे कितना टाइम हुआ है फील्ड में? मुझे तो 6-7 साल होने को हो रहे हैं ना। तो डांस वांस सीखा है किसी से? हाँ जी दोनों एक साथ ही आई थी? नहीं पहले मैं आई थी, मुझे 4 साल हुआ अभी। हाँ। जब मुझे पिंडी में मिली थी तब तुम ही करी थी? बस दोनों करे थे, दोनों कर रहे थे। उसको नहीं मैंने वहां देखा। मैं आ रही हूँ 2 मिनट उस टाइम पे मैं थोड़ी सी मोटी थी, अब पतली हो गई शायद पहचान। नहीं मैंने नहीं देखा। मैं भी अच्छी खासी मोटी हो गई हूँ ना। नहीं नहीं दोनों सही हो, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा स्मार्ट हो गई है ना। हाँ। पहले से वेट कम किया। कैसे किया? भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, खाना नहीं खाती बस। अच्छा डांस अब कुछ छोड़ते नहीं है? डांस खुद ब खुद ही आता था बचपन से। नहीं कहाँ से, पहले आता था जो आता था, लेकिन जो क्या कहते हैं उस्ताद तो यहाँ पर जरूरी होता है, तो सर तो सिर्फ जिक्र करवाते नहीं। अब तो आप देखो डांस सीखना और बात होती है, डांस आइटम्स जो होते हैं ना, आइटम्स सेट करवाना वो अलग बात। आइटम्स वो सर तो सिर्फ करवा रहे हैं हमें। हाँ। और अभी तो उन्हीं के शागिर्दों में किधर गए, मेरा धागा किधर गया? देख लो तो उन्हीं शागिर्दों का धागा तेरा गया। ओहो मेरे हाथ में तो है कसम से। भी बताऊं कि मुझे अभी पता चला मेरा धागा कहीं गुम हो गया, चेंज करते कोई बात नहीं बाद में मिल जाएगा। ना ना गुम हुई था। नहीं नहीं मैंने वैसे भी उस्ताद जी को कहा था मेरा धागा बड़ा खराब हो गया, दोबारा से बांध दे। चलो तो आप सुनाएं आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ काम करके? हाँ काफी टाइम के बाद हम दोबारा मिले हैं। काफी टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पर रेगुलर कर रही हैं? हाँ मैं यहाँ रेगुलर। लास्ट टाइम मुझे जगह ज्यादा पसंद आ गई है। यहाँ के लोग लाहौर नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मतलब थिएटर की इंतजामिया अच्छी है, थिएटर मालिक अच्छा है, सारे मामला अच्छे है। और लाहौर में आपको पता है थिएटर सारे महफल में तमाशील है, सारी काम तो मैंने सारी जगहों पे किया है, लेकिन हर प्रोड्यूसर के पास अपनी अपनी एक टीम है। ऐसी है बिल्कुल। तो लाहौर में हर जितने भी आर्टिस्ट है अपना एक ग्रुप है उनका बना, मतलब उन्होंने अपनी अपनी टीम बनाई और वो काम कर रहे हैं। और इजी भी रहता है ना, एक ही टीम साथ रहे ना बंदे का दिल लग जाता है। लेकिन ये रेगुलर का मतलब ये है कि जब मैंने लाहौर आना है तब मैं रेगुलर हूँ यहाँ पे, तो जब जब मैंने ऑटो जाना फिर मैंने ऑटो करना चाहते हैं। ठीक है थोड़ा इधर आ जाओ अब सही है। कह रहे हम कैमरे में पूरी नजर आ रहा है, नाज़ली नूर निसरा नूर पूरी नजर आनी चाहिए। वैसे आप लोग हैं मुल्तान से? बिल्कुल है ना। पहले हम लाहौर से ही थे, लेकिन फिर जैसे मुल्तान रेगुलर ड्रामा कर रहे थे फिर मुल्तान जाके रह गए। तो आप लोगों ने क्यों नहीं मुल्तान नहीं मुल्तूनी नाम लिखवाया?
क्योंकि हमारी मदर का नाम शामजा नूर है और हम अपनी माँ का नाम यूज करेंगे. वेरी गुड. निसरा नाजरी नूर और निसरा नूर. अच्छा, अपनी मम्मा के नाम से आप लोगों ने नाम रखा है. और नाम भी हमारे नाम भी मम्मा ने रखे हैं हम दोनों का. ज्यादातर आपको पता है जितनी मुल्तान की है ज्यादातर लड़कियां मुल्तानी लिखवाती है ना, उनकी मर्जी है. इसलिए मैंने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं नाम लिखवाया. पहले तो एक दो थी, अब तो रश ही लग गया, रश पड़े हैं. तो आउटडोर आपने काफी काम किया दोनों. बिल्कुल किया है ना. हाँ, तो आप लोगों को लाहौर में काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. यहाँ की माशाल्लाह पब्लिक बहुत जोश वाली है. मजा आ रहा है यहाँ पे काम पे. दिल नहीं कर रहा आउटडोर जाने को? हाँ, दिल ही नहीं करता. आलसी हो गया बिल्कुल ही. दिल अब हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए ना सामान शिफ्ट करके महफिल से, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी दूर आ गया. दिल ही नहीं करता यहाँ से वहाँ जाने का. एक जगह पर बस टिक के रह जाता है. आदत हो जाती है ना. हाँ, हमने वहाँ किया इतना. दिल ही नहीं लगता. नहीं, लेकिन लाहौर से बाहर तो करना ही पड़ेगा. जाहिर बात है वहाँ भी फैन है आपके. वो तो है, लेकिन सफर सफर की मार भी बर्दाश्त हो रही है. का सफर होगा तो यहाँ पे रिहाइश कर लीजिए. हाँ जी, पक्की 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 ऐसे पक्के लाहौर चुटेरे ला. पक्का पक्का. अच्छा, बड़ी कौन है ये? तुम बड़ी हो, क्या हो गया? ये बड़ी है. तुम बड़ी हो यार. नहीं नहीं, ये बड़ी है. ये मेरी 2 साल बड़ी है यार. पहना दी लड़ाई होगी. औरतों को कभी भी उदी उम्र ना पूछो. मैं छोटी हूं. नहीं, लेकिन ये वाकई मैं छोटी हूँ. मैं बच्ची अक्सरियत से सुनाता है कि लोग कहते हैं मैं बड़ी हुई है छोटी, और हम लोग जिद में कहते हैं हाँ जी मैं ही बड़ी हुई है छोटी. अब ये वही कर रही है. ये सच में छोटी है? ये बड़ी है. क्यों झूठ बोल रही है? आदत हो गई ना लोगों के मुंह से सुन सुन के. ये बड़ी है, मैं इसे 2 साल. अच्छा हाँ यार, मैं बड़ी हूँ बस. हाँ, फिलहाल मैंने अभी हील पहनी, इस वजह से वैसे मेरा भी कद हाइट की बात ही नहीं की. हाइट तो अब हील के साथ बड़ी लग रही है ना. तो क्या हाइट इक्वल है? इक्वल नहीं, तो मेरी थोड़ी सी बड़ी. लेकिन ये बढ़िया भी इसमें क्या बेइज्जती कर रही है मेरी. बेइज्जती फील मत करो. नहीं तो अब आप लोग क्या जिंदगी में क्या सोचा है? सुपरस्टार बनके शादी करनी है या पहले करनी है? स्टार तो अभी, और नाम तो माशाल्लाह देखो लाहौर में आई हो तो नाम बड़ा ऐसा ही है माशाल्लाह. लेकिन अभी मेरी जो बहन है उसका तो बड़ा शौक है फिल्म वाली साइड पे जाने का. फिल्में तो है, पछतो करोगी जाके तुम? मैं तो नहीं करूंगी. इसे पसंद ही नहीं है. इसको नहीं पसंद. ऑफर्स काफी आती है, पीछे भी पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं. बार हुआ लेकिन दिल नहीं करता. ये एक इंसान के अपने दिल की. लेकिन पश्तो मूवीज भी अच्छी होती हैं. अच्छी होती है, मैंने कब कहा बुरी. और अब तो काफी चेंज हो चुकी हैं, उर्दू बन चुकी हैं, अच्छी हैं. ठीक है, मेरा दिल नहीं मानता करने को. ये क्या भी करोगी? पंजाबी मूवी करने चाहती हूं. फिल्में तुमने चाहती है मूवी करने? मैं तेरे नाल ही आज थे भी. इसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता. सॉन्ग देखिए सुना सुना. ओ समझ आ गया क्या? गड्डी में ले दे. हां अच्छा, वो वाला चिड़ी आंधी सवा करोड़ की रिकॉर्डिंग ना. वो किया था, रिकॉर्ड किया लाहौर के अंदर. हां जी, लाहौर के अंदर मूवी का ना. जी, सलमान खान में जिसमें. यस यस, उसी का ही है, उस मूवी का ही है. तो अभी आप कब तक होगी इधर? जब तक अल्लाह का नसीब होगा. जब तक नसीब रिजक जाहिर बात है आर्टिस्टों का गाइस ऐसा ही है. रिजक जो होता है नसीब, हमारे पैरों में चक्कर है. चक्कर नहीं, पैरों के बीच टायर लगे होते नहीं कभी इतने कभी. लेकिन आपकी हिम्मत है बहुत. आउटडोर आगे एक हफ्ता यहाँ एक हफ्ता वहाँ चेंज करना, हिम्मत है तो करना चाहिए. हम तो 2 हफ्ते बाद रेस्ट चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी माँ ने पास ही बैठी तो नगाड़ी. अभी उन्हें हमें मना किया, उन्हें कहा काम 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 पता नहीं किधर गई हैं. हम तो लास्ट टाइम से भी कुछ बातें पूछती मुल्तान के बाद. सोती कौन है ज्यादा? दोनों. खाती कौन है ज्यादा? नाजी. जब मामा के पैसे से शॉपिंग करनी हो तब खुला, जब अपने पैसे से करनी हो तो फिर बचा बचा के 1000 रुपए भी देती. इतनी शोधी है मोबाइल सबसे ज्यादा यूज कौन करती है? वो तो दोनों. नहीं, ये 24 घंटे सीरीज में घुसी रहती है. इसको और कोई काम नहीं जिंदगी का. उठेगी उठते सार सीरीज के सामने बैठ जाएगी. हाँ, मुझे फोन ही नहीं आते. आलसी कौन है दोनों? तुम ज्यादा हो मुझसे. मैं तो चलो फिर भी उठ जाती हूं काम करने में, असल पे जाने में, काम करने में. ये मुझे नींद में उठा के लाइट बंद करवाती है. ऐसी इतनी आलसी यार. इतना तो बड़ी बहन का हक होता है ना. जान के पास पानी पड़ा कहेगी उठ के जाएगी. किस कदर ये आलसी है मेरी बहन. उस पानी में मजा आता है जब तुम मुझे पकड़ाती हो. सबसे ज्यादा किसको लगती है? जैसे होता है काम में थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है. काम में हम दोनों को नहीं लगती. काम में खाना नहीं खाया जाता. वो तो एक रेगुलर आर्टिस्टों का है ना. मतलब भूख लगी भी हमारी माँ हमारी बेइज्जती करती है. रोटी ठंडी हो रही है पहले खा लो. अभी भी पहले याद हो रहा है एंट्री आ रही है. गरम करके खाया है. हम लोग लड़ाई तो नहीं होती दोनों में? बहुत होती है. अभी 10 मिनट पहले एक दूसरे को मारा हमने. कैसे मारते? बाल खींच के? नहीं, चीजों से एक दूसरे से खींच लेते हैं. बात नहीं करते. फिर 10-15 मिनट बाद फिर ठीक हो जाते हैं.
मांगती है ना मेरे कपड़े 24 घंटे के कारण। तुम भी चीजें मांगती हो मेरे से। सारे कपड़े इसके पहनती है। ईमान दिया करो, ईमान से बताओ मैं इसके कपड़े पहन सकती हूं? हां जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर मेरी कोई गवाही देने वाला आ जाए ना तो वो बताएगा कितना मजा आना। इज्जत पहली बार मैंने साफ है, वैसे दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। क्या रिकॉर्डिंग जो है ना मैं जाके यूट्यूब से सेव करके स्टेटस पे लगाऊंगी, मुझे आपका आता। मुल्तान के बाद अब काम किया, जब मुल्तान हम लोग रेक्सटेटर इकट्ठा किया था उसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं। मुल्तान अब मैं करूंगी, अब भी मैं तुम लोगों के साथ ही करूंगी। आप बताएं आपकी क्या रूटीन है, आप क्या करती हैं, क्या किया आपने सुबह से लेके अभी तक? क्या सुबह से लेके मैंने सोई बस। ये भी बहुत मुश्किल काम है यार, लोगों को काम ही नहीं लगता सोना, पता कितनी मुश्किल होती है। सो कर उठ के ठेठ रही है, तुम लोगों का काम है, बहुत बड़ा काम है। 24 घंटे सोना भी एक आर्ट होता है। आर्ट आर्ट। हम लोग उठते सात सिर्फ थिएटर आए और अब आकर खाना खाए। उठ के सीधा थिएटर, कोई नाश्ता नहीं किया, चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया, सीधा थिएटर। क्योंकि दो दो शो चलते हैं तीन दिन और बहुत मुश्किल होता है ये तीन दिन गुजारना। तीन दिन के बाद जाकर जी एक शो स्टार्ट होगा शालीमार में। अब हमारा आज लास्ट डे है दूसरे शो का, कल से एक एक शो है हमारा। लेकिन फिर जो मैं रात की रिहर्सल, अच्छा दो तीन सवाल लास्ट में पूछूंगी, इसके बाद बहुत वीडियो जो है हमारी लंबी हो चुकी है। अच्छा गाइस, पहले बात मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे नाज़रीन निज़रा के बारे में, कोई सवाल भी आप करेंगे हम फिर से इनके पास लेके आएंगे आपके कॉमेंट, और इनसे हम आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे। और दूसरा आपसे जो सवाल करना था वो ये, अच्छा आप लोग फील्ड में किससे मुतासिर होके आई हैं? माय मदर शानजानूर। अच्छा हाँ जी, तो आपको मतलब फीमेल में से आर्टिस्ट जो है स्टार आर्टिस्ट आपको आपकी मामा ही पसंद आई? मामा के बाद मैडम नरगिस। मैडम नरगिस। हाँ जी। और आपको? सेम सेम, मैं भी सेम। मैं भी मैडम नरगिस से मुतासिर। अच्छा सही। और उसके बाद लड़कों में कौन सा कॉमेडी बहुत स्टार जो हमारे सुपर स्टार उनमें से सबसे ज्यादा, सारे अच्छे हैं, जो एक अच्छा लगता है भाई किसी एक का नाम? कॉमेडी में ज्यादातर मैं वो प्रेफर करूंगी कि जिसके साथ हम लोगों ने काम किया है, जैसे विकी साहब हैं, कमाल की एक्टिंग करते हैं, नासिर चनूती साहब बहुत अच्छे ड्रामे, और आगा माजिद सर, ये सारे जो है ना ये हमें इंस्पायर करते हैं और हमें रोल्स के अंदर जो है ना मेहनत करने जी बिल्कुल। वो जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट कहते हैं उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह को प्यार हाँ, वो जा, हाँ जी वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सरदार कुमार साहब, अल्लाह पाक उनको रसीद करे। और उनसे पहले को और हमारे सीनियर आर्टिस्ट तारिक टैडी साहब, सब इनके साथ किया है अपने प्ले किया है। तारिक टैडी साहब के साथ हमने नहीं किया, सरदार कुमार के साथ बहुत ड्रामे किया, और हमारी मामा ने स्टार्ट भी उनके साथ किया था उनका पहला ड्रामा। अच्छा आप मुझे मेरे चैनल के लिए कुछ बोल दें फिर, ताकि हम वीडियो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है? और जो भी सवाल है इनके पास बताएं, फिर ये दोबारा हमारे पास आएंगे लेकर आने के लिए। और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय।